हम आपको बताएंगे जो पुराने ज़माने में जो थ्रेसर चलते थे, वैसे तो थ्रेसर आज भी चल रहे हैं बिजली वाले, आप देख सकते हैं जो थ्रेसर है। आज हम एक ऐसे किसान भाई के यहाँ पहुँचे, उनसे हमने जानकारी भी ली इस थ्रेसर के बारे में कि वो आज भी इस थ्रेसर का उपयोग करते हैं। उन्होंने बोला कि हम जो ट्रैक्टर के पीछे जो कटर आते हैं, थ्रेसर आते हैं, उनका उपयोग नहीं करते हैं, जो बिजली के मिनी थ्रेसर होते हैं हम उसी का उपयोग करते हैं आज भी। तो उनसे जानकारी ली तो वो उपयोग क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया सबसे पहले तो गेहूँ की क्वालिटी, जो आप देख रहे हैं ये हमारे हाथ में इतने साफ गेहूँ निकलते हैं, इसके अंदर एक भी डंठल नहीं है। उन्होंने ये बताया कि पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि जो गेहूँ आते हैं अंदर तो उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, क्योंकि उनके अंदर डंठल कुएँ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आते हैं गेहूँ के, और उनके जो जाली लगा रखी है अंदर तो इनके चल के पूरी तरह से अच्छे गेहूँ निकलते हैं। इस थ्रेसर की और अच्छी क्वालिटी की बात करें तो जो खाकला है वो भी बहुत बारीक निकलता है, और गैस वगैरह जो होती है गायें वो भी अच्छा खाते पशु। इसके अंदर जो मोटर लगा रखी है ये 7.5 HP की मोटर है। एक फ़ायदा और इसमें ये है कि बिजली से चलने वाला थ्रेसर में जो अपने गेहूँ निकालने के लिए मजदूर वगैरह करते हैं, जो वो थ्रेसर होता है अगर ट्रैक्टर के पीछे का, उसमें ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है मज़दूरों की। इसमें अगर 3 जने हो तो भी इसके अंदर निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए किसान भाई निकाल रहे हैं अकेले, और 1 जने लाने वाला है और 1 जने गेहूँ भरने वाला है। इनसे हमने जानकारी ली थी तो इन्होंने बोला कि हम पिछले साल से, कई साल से, मतलब जो थ्रेसर को लगभग 8-9 साल हो गए इसी का यूज कर रहे हैं। विश्वकर्मा कंपनी का थ्रेसर है, बिजली से ही चलाते हैं, इससे गेहूँ की क्वालिटी भी हमें अच्छी मिल जाती है। और देख सकते हैं किसान भाई जो कट्टे 30 से 40 कट्टे इन्होंने भर दिए हैं, इनके गेहूं की उपज भी बहुत अच्छी है। ये बोलते हैं कि भाई जो जो गेहूं सरसों वगैरह जो भी बोते हैं इसी मिनी थ्रेसर से निकालते हैं, ना कि ट्रैक्टर के पीछे कटर से। इसकी मतलब जो खाकला होता है वो पशु भी अच्छा खाते हैं, भी छोटा होता है। ये आप देख सकते कट्टे के अंदर गेहूँ है, ये बहुत अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनके डंठल निकलने की जगह भी बहुत है, जो डंठल वगैरह होते हैं ख़राब, जो मटर होता है गेहूँ का डंठल कुएँ वगैरह जो भी होती है वो आगे निकल जाती है। आपको बताते हैं, ये देखिए जाली के अंदर से चल के इधर गेहूँ आ रहे हैं और कुएँ वगैरह ये आके निकल रही है, इसलिए गेहूँ की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, जाली के माध्यम से आगे पड़ जाती है। तो आज भी ये किसान भाई पुराने थ्रेसर का उपयोग कर रहे हैं, और इसमें एक एक पुली के साथ 2-2 पुली दे के ये बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा मतलब बेनिफिट है इसका। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।